सिंगरौली में आदिवासियों ने एनसीएल प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इनका आरोप है इन विस्थापितों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। एनसीएल की कोयला खदान के लिए अधिग्रहित हो रहे मेढोली के सैकड़ों आदिवासियों ने पूर्व पार्षद शांति देवी के नेतृत्व में मार्च निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मार्च निकालते यह विस्थापित आदिवासी लोगों में कौतूहल का केंद्र बन रहे अपने धुन में मस्त आदिवासी अपनी मांगों को लेकर विस्थापित एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आदिवासी विस्थापितों की मांग है कि एनसीएल प्रबंधन अपने वादे से मुकर रहा है। हम लोगों के मुआवजा में भारी कटौती की जा रही है। हम लोगों के घर का, पेड़ का, जमीन के गणना पत्रक नहीं दिए जा रहे हैं। हम लोगों के साथ एनसीएल धोखाधड़ी कर रहा है। सर, हम लोग इसलिए पैदल आए हैं वहाँ से, जब हम लोग का घर नाटी हुआ तब से मुआवजा नहीं मिला, और आज मुआवजा मिलेगा। अगर कट के मुआवजा मिलेगा तो हम लोग नहीं लेने वाले हैं, अपना घर नहीं छोड़ेंगे। कितना मिला है सर? वो तो 3 लाख बन रहा था, तो वो बोले कि 2 लाख अभी बना है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।